दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ सड़क पर आम आदमी पार्टी। आज तक के शो दंगल में बोले आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विनय मिश्रा, ईडी जो समन देती है वो बीजेपी को कैसे पता चल जाता है, बीजेपी को ईडी के नोटिस के बारे में पहले से पता कैसे चलता है, ईडी आज बीजेपी की संगठन बन चुकी है। ये बयान आज तक के शो दंगल में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विनय मिश्रा ने दिया। आप ईडी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे बताइए ईडी जो समन देती है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कैसे पता चल जाता है कि ये समन मिलने वाला है। आज ईडी ने समन दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे पहले हंगामा करने लग जाते हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को समन मिलने वाला है। तो आज ईडी एक स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है, ईडी आज एक भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तय होता है कि किसको नोटिस दिया जाएगा, किसको बुलाया जाएगा। हमें उससे आपत्ति है। बांसुरी जी हमारी बैठी हुई है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। बांसुरी जी की माता जी इस देश की बहुत अच्छी नेता थी। उन्होंने सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि संसद में जब विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो डेमोक्रेसी खूबसूरती है कि संसद में विपक्ष अपनी आवाज कैसे उठाए वो विपक्ष का काम है। लेकिन आज जिस तरीके से हो रहा है, विपक्ष अगर कोई भी अडानी के खिलाफ बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, मणिपुर के खिलाफ बोले, तो आप उसको सीधा सस्पेंड कर देते हैं। ये लोकतंत्र कहां से रह गया है?